हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? हरियाणा रोडवेज में नई भर्ती आ रही है कंडक्टर के पदों पर। आज की ताज़ा खबर है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये जो भर्ती हो रही है हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से हो रही है, रोडवेज में ये भर्ती हो गई, लेकिन ये पक्की नौकरी नहीं है, कौशल रोजगार के माध्यम से भर्ती की जा रही है। विभाग ने जिलावार आवश्यकता अनुसार भेजा पत्र। तो यहाँ पर किस ज़िले में कितनी भर्ती होगी? टोटल 280 पदों पर डिमांड भेजी है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है देखिए, इसमें चरखी दादरी में 21, फतेहबाद में 25, जींद में 30, झज्जर में 47, कुरुक्षेत्र में 4, करनाल में 17, नारनौल में 4, नूह में 4, पंचकुला में 9, पानीपत में 7, रेवाड़ी में 25, सिरसा में 5, यमुनानगर में 40, हिसार में 38। तो इन ज़िलों में भर्ती होगी, हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से होगी। ये एक दो दिन में फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कंप्लीट डिटेल के साथ। यदि आप हरियाणा रोडवेज में हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से भर्ती होने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी ये एक या दो दिन में मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप तक डिटेल पहुंच जाए, ठीक है। और जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि भाई पक्की भर्तियों के बारे में विचार करो, कब तक हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से भर्तियां करोगे, और हरियाणा कौशल रोजगार को ही भंग कर देना चाहिए, ऐसा मानना है इस यूनियन का, ठीक है। तो 280 पदों पर यह नई भर्ती आ रही है हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पदों पे। ये अपडेट थी, आगे की सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।